స్వాతంత్రం చేసిన బంగారు జెండమ్మో, బడుగు వర్గాల బంధు కాంగ్రెస్ జెండమ్మో, భారత స్వాతంత్రం చేసిన బంగారు జెండమ్మో, బడుగు వర్గాల బంధు కాంగ్రెస్ జెండమ్మో. ధరలను పారద్రోలగా మహాత్మా గాంధీ నెహ్రూ చేతిలో రెపరెపలాడెను కాంగ్రెస్ జెండా, రెపరెపలాడెను కాంగ్రెస్ జెండా. భారత పతాక నెగరేసింది బడుగు వర్గాల బంధువైనది, స్వరాజ్యమే సాధించి పెట్టినది, సమ సమాజము స్థాపించింది, సమ సమాజము స్థాపించింది, సమ సమాజము స్థాపించింది. చల్వీర పుత్రులు ఎత్తిన జెండా కాంగ్రెస్ జెండమ్మో, వాణి ముత్యమై అనాదిగా మన తోడు నిలిచెనమ్మో. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल सरहान, नाना नगर डिवीजन 69 कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी. मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और हमारे उस्मान अल हाजरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद मेरे नाना नगर डिवीज़न की आवाम से और मेरे हकीमपेट की आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि अब तक सबको वोट दिए, हर पार्टी को जिताए, हर लीडर को जिताए, लेकिन इस बार कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए. मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बेटा हूँ. कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, जितना हो सके जीतोजहद करके हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, राज़ी है. हकीमपेट आवाम के लिए, नाना नगर डिवीज़न की आवाम के लिए जो भी मसाइल है, जैसे कि पानी का प्रॉब्लम है, मच्छरों का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है या नल का प्रॉब्लम है, ज़मीन से जुड़े रहते पर जो जो भी प्रॉब्लम है नाना नगर डिवीज़न में, इंशाल्लाह मैं जो है ना, आप हमारे हाथ कामयाब करिए, हमको जो है ना भारी अक्षरियत से जिताइए. इंशाल्लाह हम पूरे काम हल करेंगे, आपके दरमियान में रह के काम करेंगे. जय तलक जय. आज हम जो है पूरा हकीमपेट एरिया में डोर टू डोर कैनवेजिंग कर रहे हैं. इंशाल्लाह हम आवाम से गुजारिश करेंगे, हम आवाम को जो है ना बताएंगे हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो हम इंशाल्लाह बताएंगे, और दूसरे अपोजिशन पार्टियों का जो नाकामियां हैं इंशाल्लाह हम वो बताएंगे लोगों के सामने. जो अपोजिशन यहां पर जो पहले जो कॉरपोरेटर थे उन्हों क्या काम नहीं करे, और टीआरएस पार्टी जो काम नहीं करी, ये सब लोग जो है ना मिल के आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं हर चीज़ से लेके, जो हाल ही में बारिश हुई, जो फ्लड फंड के रिलीफ के नाम पे जो है ना ये लोग आवाम को परेशान करे, और लॉकडाउन में जो है ना कोई लीडर कोई नेता यहाँ पर हमारे एरिया में नहीं था, किसी को कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिली, ये चीज़ भी पब्लिक देखी हुई है, आवाम देखी हुई है. आवाम अब जाग गई है, इंशाल्लाह आवाम अब हक का फैसला करेंगी और सेक्युलर लीडर को जो है ना वोट देने का फैसला करेंगी इंशाल्लाह. आप सभी से मेरी गुजारिश है, बस मेरे को एक बार भारी अक्षरियत से जिताइए, मेरे को जो है ना एक बार कामयाब कराइए. इंशाल्लाह मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, आपका हमदर्द कार्यकर्ता हूँ, आगे चल के जो है ना आपको जो है ना आधी रात को आपका साथ दूंगा इंशाल्लाह. मेरा पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल सरहान, वार्ड नंबर 69, नाना नगर डिवीज़न कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी. जय कांग्रेस.